Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS online platform. I hope you all are doing good, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll discuss these articles. I'll give you a brief what we will be covering today so that you have an idea and you stay connected. ठीक है, हम बात करेंगे लोकमान्य तिलक जी के बारे में. तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो यू विल हैव एन आइडिया. बाकी मैं आपको स्टैटिक जो इनसे बेसिकली एक स्टैटिक पार्ट ही है, तो आपके लिए होमवर्क यही है कि अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में जाइए और लोकमान्य तिलक जी के बारे में पढ़िए थोड़ा सा. उन्होंने मैं आई डिस्कस दैट, बट स्टिल अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए और फायदा होगा. उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टू द इंडियन इंडिपेंडेंस, उनकी लाइफ, उनका पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन, लिटरेरी वर्क्स, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. Then we'll discuss an outlining of urban transformation strategies. तो basically ये जो article है that deals with your GS paper 1 urbanization. तो इसमें budget के context में हम इसको आज discuss करेंगे. 2024-25 का जो budget आया है उसमें urbanization को लेके क्या कुछ है. NPS वात्सल्य क्या है, ये स्कीम NPS स्कीम क्या है, why it is in news, वो देखेंगे. GS paper 2 से you can link. Then we'll discuss about Supreme Court verdict on GM mustard approval. इसमें बहुत कुछ देखना है. GM must, पहले तो आपको GM crops क्या होती हैं, वो ही सिंपल पहली बात ये बतानी चाहिए prelims के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. फिर उसके बाद हम GM crops के बाद पढ़ के विल टॉक अबाउट GM mustard. तो ये आपके GS paper 3 से भी लिंक करता है. और सुप्रीम कोर्ट की अभी क्या वर्डिक्ट रही है इसके कॉन्टेक्स्ट में वो देखेंगे. जीएम क्रॉप्स के क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, क्यों एक डिबेट रहती है जीएम क्रॉप्स को लेकर, राइट. तो पेपर 3 से भी और पेपर 2 से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. और लास्ट में हम बात करेंगे बानी ग्रासलैंड्स के बारे में, कहाँ है, क्यों न्यूज में है, वो सारी डिस्कशन होगी प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव. सेशन अच्छा लगता है तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. Give your comments, feedback in the comment section. Do share it with your friends and do subscribe to the channel so that whenever any session gets published, you will get the notification. चाहे वो किसी भी मैम का हो या कोई भी ले रहा हो वो लेक्चर, जैसे सेशन आता है फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड इट विल बी ईजी फॉर यू, राइट. बाद में वो चीजें डिले नहीं होंगी, फटाफट उसी टाइम पे पढ़ लिया, ये बात हो जाती है. शुरू करें सेशन. प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे रिसेंटली ट्रिब्यूट पे किया है टू लोकमान्य तिलक ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. अगर आपको याद हो तो कल हमने चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ा था, फ्रीडम फाइटर और रेवोल्यूशनरी वन. लोकमान्य तिलक जी के बारे में आज पढ़ते हैं. ये इनकी तस्वीर है. बाल गंगाधर तिलक भी इनका नाम बाल गंगा तिलक है, बाल गंगाधर तिलक रहा है, लेकिन इन्हें पॉपुलरली लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था. इंडियन नेशनलिस्ट है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. इंडिया को बेसिकली आप बोलो तो जब हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया तिलक जी रहे हैं. स्ट्रांगली बिलीव करते थे और उसके बारे में बातें करते थे और स्टेप्स भी लिए हैं उन्होंने रिगार्डिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया. जब हम स्वराज की बात करते हैं, ही हैड अ स्ट्रांग स्टैंड फॉर इट. अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में आपके पास होम रूल लीग आ जाए, तो जब हम सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं तो होम रूल लीग में भी तिलक जी का एक इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है एनी बेसन के साथ, ठीक है. उससे पहले भी अगर आपको याद हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे और जो भी उनका जो हिस्ट्री रही है, जो उनका योगदान रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. He was born as Keshav Gangadhar Tilak. His followers honored him with this title Lokmanya, मतलब revered by the people. एक radical nationalist रहे हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि moderates जो थे वो कहते थे prayers और petitions के through उनको convince किया जाए ब्रिटिशर्स को, लेकिन इनका ये मानना नहीं था. ही वॉज कंसिडर्ड अ रेडिकल नेशनलिस्ट. इनका एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. वो ये कहते थे ये petitions के through नहीं मानेंगे वो, ठीक है. British authorities labeled him the father of Indian unrest due to his influential role in the independence movement. चाहे वो अगर आपको याद हो non cooperation movement से पहले जब हमारा ये सूरत में split हुआ था, राइट. उस टाइम पे भी जब बात हुई थी कि किस तरीके से मूवमेंट को आगे लेकर जाया जाए, किस तरीके से इंडिपेंडेंस की ओर बात करी जाए, जब
सूरज स्प्लिट क्यों हुआ था, ये ना चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा सूरज स्प्लिट क्यों हुआ था, बाल गंगाधर तिलक जी का क्या रोल रहा था, उन्होंने किस तरीके से फेस्टिवल्स का यूज किया था, राइट, ताकि लोगों में मास अवेयरनेस लेकर आई जा सके, मोबिलाइजेशन हो, तो ये सारा उनका योगदान, पूरी हिस्ट्री आपको आपके जीएस पेपर वन से भी है और साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स से तो है ही, तो उनका एक योगदान रहा है, राइट। बाद में लखनऊ पैक्ट जब हुआ और वो उनमें भी जब हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जब यूनिटी की बात करते हैं हम, लखनऊ पैक्ट उसी के दौरान रहा है, तो तब भी तिलक जी का एक योगदान रहा है, राइट। तो तिलक जी का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890, 1689 के अंदर उन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग विद जीएस खापरडे एंड एनी बेसेंट उन्होंने फॉर्म करी, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने होम रूल लीग महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश करी और सेंट्रल प्रोविंसेस में, कर्नाटका में, बेरार रीजन में, लेकिन बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया था वहां पर एनी बेसेंट की लीग ऑपरेट कर रही थी। होम रूल लीग, होम रूल लीग क्या कहती है, होम रूल लीग बेसिकली इसका मकसद क्या रहा है, टू एडवोकेट फॉर सेल्फ रूल, लोगों में अवेयरनेस रेज करना अबाउट इंडियाज राइट टू गवर्न इट सेल्फ। और उनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहे हैं, केसरी और मराठी, मराठा दो न्यूज़पेपर रहे हैं, नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए मराठी में था केसरी, और फॉर द सेम पर्पस ही यूज मराठा इन इंग्लिश, तो ये ध्यान में रखना, मराठा मराठी में नहीं था, मराठा इंग्लिश में था, ठीक है। द आर्कटिक होम इन द वेदास और श्रीमद भागवत गीता रहस्य, ये उनके कुछ नोटेबल वर्क्स रहे हैं जो प्रेजेंट करते हैं। एडुकेशनिस्ट वाले, अगर सोशल रिफॉर्म्स वाले सेक्टर में अगर हम जाएं, तो तिलक जी बिलीव करते थे एक स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ एडुकेशन की। उन्होंने डेक्कन एडुकेशन सोसाइटी पूना के अंदर एस्टैब्लिश करी और फेर्गसन कॉलेज एंड द न्यू इंग्लिश स्कूल ये फाउंड किए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन दी मॉडर्न एडुकेशन इन महाराष्ट्र, और वहां पर वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे इस कॉलेज में, राइट। अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज इरेडिकेट करने में स्ट्रांगली योगदान दिया इन्होंने, सपोर्ट करे सारे वो एफर्ट्स ताकि ये सोशल इविल इरेडिकेट हो। ही प्रमोटेड दी एडुकेशन ऑफ विमेन की सोसाइटल प्रोग्रेस अगर आप चाहते हैं तो वहां पर भी उन्होंने उसका बहुत स्ट्रेस दिया। लाल बाल पाल, तीनों कंपेनियंस, पॉलिटिकल कंपेनियंस रहे हैं, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, एंड तिलक जी, देवर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। काफी टाइम तिलक जी वॉज अरेस्टेड फॉर सिडिशन, उनकी जो सबसे लंबी इम्प्रिजनमेंट रही है वो थी 1908 से 1914 के टाइम पे, ड्यूरिंग विच ही ऑथर्ड दिस फेमस बुक गीता रहस्य। 1916 के अंदर तिलक प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंक्लूडिंग दी लखनऊ पैक्ट, जिसकी मैंने अभी बात करी, विद मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका मकसद क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी लेकर आना, ठीक है, इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एन आउटलाइनिंग ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज, तो जैसे कि मैंने आपको बताया जीएस पेपर टू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट, जीएस पेपर वन से, सॉरी, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड अभी रिसेंटली जो बजट आया है उसमें क्या बातें करी गई हैं वो देखते हैं, रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट एंड रिलेटेड टू हाउसिंग। देखो वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो स्कीम 2000, ये आप ना पॉइंट्स नोट करते जाइए, अब आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, क्रिस्प पॉइंट्स, मेक नोट्स आउट ऑफ इट, डायरेक्टली लिखते ही जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन आई, इस साल बजट ने लगभग आप लगा लीजिए 30,171 करोड़ अलग करे हैं टू कंटिन्यू बिल्डिंग सच मोर होम्स एंड हेल्प पीपल टू गेट लोन्स विद लोअर इंटरेस्ट रेट इस स्कीम के लिए। देन इस बजट ने इंट्रोड्यूस किया है क्या, न्यू रेंटल हाउसिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए स्पेसिफिकली, राइट, डॉर्मिटरीज जहां पर वर्कर्स कंफर्टेबली रह पाए, और प्राइवेट कंपनीज और सरकार की पार्टनरशिप रहेगी एंड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग, राइट। हमारी अमृत स्कीम है ये भी मेंशन करी इस बार उन्होंने, अमृत इज गेटिंग 8,000 करोड़,
टू इम्प्रूव दी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया. अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है स्मार्ट सिटीज मिशन, काफी न्यूज में रहता है ये मिशन, जो टेक फ्रेंडली सिटीज बनाना चाहता है. दैट स्कीम, दिस मिशन इज एलोकेटेड 2400 करोड़, राइट? पिछले साल जितना दिया उसके कंपैरिजन में इस साल ये लेस है, बिकॉज इट इज फोकसिंग मोर ऑन फिनिशिंग द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, कि कुछ नया शुरू नहीं करना है, इसको कंप्लीट करना है. आप लगाइए 11.11 लाख करोड़, अ लार्ज अमाउंट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सिटीज को इंप्रूव करने के लिए, अर्बन एरियाज को इंप्रूव करने के लिए. इंडिया में हाउसिंग को लेके क्या इश्यूज हैं? ये तो बजट में जो जो बातें हैं वो हैं. अब मुद्दे पे आते हैं, वो भी मुद्दा ही था एक, हाउसिंग इश्यूज क्या हैं? सबसे बड़ा इशू यही है कि हाउसिंग शॉर्टेज है, दिस बिग शॉर्टेज. आप लगाओ 1.9 करोड़ हाउसहोल्ड्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं, सिटीज के अंदर, दैट डू नॉट हैव प्रॉपर हाउसिंग, और वो स्लम्स में रहना पड़ता है. एंड अबाउट आप लगाइए 65.5 मिलियन पीपल इन स्लम एरियाज, लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग इन द स्लम्स, 65.5 मिलियन, एंड अक्रॉस मेजर सिटीज, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया. और दूसरा ये है कि एक तो शॉर्टेज है, और अगर है तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है. इफ यू विल नॉट फाइंड अफोर्डेबल होम्स, इट विल लीड इन स्लम्स टू ग्रो, राइट? फिर एक अर्बनाइजेशन प्रेशर है. जैसे जैसे लोग सिटीज की तरफ जा रहे हैं, अर्बन रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ रहा है, पानी पे, सड़क पे, हाउसिंग पे. हमने कुछ टाइम पहले, बजट से पहले, अर्बनाइजेशन डिस्कस किया था. और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2018 से 2050 तक में आपकी अर्बन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, और हाउसिंग प्रॉब्लम विल गेट इवन वर्स, इट विल पुट मोर स्ट्रेन ऑन द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? एंड दिस रैपिड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि अनप्लान्ड एक्सपेंशन है तो और तेजी से हो रही है. एक तो अनप्लान्ड है, ऊपर से तेजी से भी हो रही है, तो इट विल हार्म द एनवायरमेंट, इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक इंक्रीज हीट पॉल्यूशन, पुअर ड्रेनेज, ये सब होगा. अगर मैं इस साल के बजट की बात करूं ऑन अर्बन प्लानिंग, ये साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट बजट ऑन अर्बन प्लानिंग. सिटीज जो हैं वो रिसीव करेंगी 25,653 करोड़ फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन ग्रांट, ताकि उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पूरे हो सके. सो इट विल सपोर्ट सिटी इंप्रूवमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दिस इज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर, यू कैन से, म्यूनिसिपैलिटीज. यहां पर बजट कह रहा है कि विल डेवलप ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगी. जैसे देखो, ऐसा होता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट्स जो हैं आपके, यू विल वर्क, मोर पीपल कैन लीव एंड वर्क क्लोज टू दोज ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट्स, स्टेशंस हैं, शॉप्स हैं. इंप्रूव दीज ट्रांजिट सिस्टम्स, बसेस इन द सिटीज, ताकि ट्रैफिक जो है वो भी कम हो. लोगों को, जो लोग वर्क काम करने वाले हैं, और बेसिकली यू वॉन्ट कि मोर पीपल कैन लीव नियर टू दोज एरियाज, राइट? फिर उसके बाद हमने कल ई बस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करी थी स्कीम की, तो अभी इलेक्ट्रिक बस सिस्टम की बात कर रहा है ये बजट. क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बजट कह रहा है कि सिटीज को एनकरेज करें कि इलेक्ट्रिक बसेस यूज करें, और उसके लिए 1300 करोड़ एलोकेट किया है, ताकि यू स्विच फ्रॉम योर ट्रेडिशनल बसेस टू इलेक्ट्रिक वंस. और क्या किया है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस डाला है. हैंडलिंग द वेस्ट, इंट्रोड्यूस सच प्रोजेक्ट्स फॉर मैनेजिंग सॉलिड वेस्ट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स, राइट? दिस बजट प्लान्स टू डेवलप 100 न्यू स्ट्रीट फूड हब्स, जिसे आप हट्स बोलते हैं. एक ऑर्गेनाइज स्पेस होगा फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है जी? सो द ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो वे फॉरवर्ड क्या है? टू क्रिएट कॉम्प्रीहेंसिव हाउसिंग प्लान्स दैट
दैट कवर ऑल द हाउसिंग नीड्स, जहां पर अफोर्डेबल होम भी हो, जहां इमरजेंसी शेल्टर्स भी हो, शॉर्टेज कम हो, एंड यू बिल्ड ग्रीन स्पेसेस ऑल्सो, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो दैट कैन विदस्टैंड द एनवायरमेंटल चैलेंजेस ऑल्सो, ये सब कुछ। ठीक है जी, तो चले फिर आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर एक न्यू एडिशन किया है, दैट इज एनपीएस वात्सल्य। इससे क्या होगा, इट विल द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड यू विद द एनहैंस्ड पेंशन बेनिफिट्स एंड सपोर्ट द एग्जिस्टिंग एनपीएस फ्रेमवर्क। क्या है देखते हैं, एनपीएस वात्सल्य एक नया इनिशिएटिव है, जैसे कि उन्होंने बोला अभी कि एक नया इनिशिएटिव है, दैट इज इंट्रोड्यूस अंडर नेशनल पेंशन स्कीम। अपने बच्चे का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पेरेंट्स को, गार्डियंस को असिस्ट करना, ये इसका मकसद है। माइनर चिल्ड्रन है, ठीक है, उसका फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, एक एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल लें। यू मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दिस अकाउंट, बिल्डिंग अप द चाइल्ड्स रिटायरमेंट सेविंग्स यू हैव डन डूइंग। सो जो फंड होगा इट विल ग्रो अंटिल द चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 18। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो जो आपकी सेविंग्स है वो आप एनपीएस अकाउंट में, अभी तो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है ना, आप उससे उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। इट कैन बी सीमलेसली कन्वर्टेड इंटू नॉन एनपीएस प्लान्स ऑल्सो अपॉन द चाइल्डहुड एडल्टहुड, तो ये कन्वर्जन ऑप्शन है बेसिकली। मैं इसको ऑल सिंपल करती हूँ आपके लिए। देखो एनपीएस, सबसे पहले तो किसी को यही नहीं पता होगा नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। नेशनल पेंशन स्कीम ना वो है जहां पर पीपल कैन सेव मनी ड्यूरिंग देयर वर्किंग ईयर्स टू रिसीव अ पेंशन व्हेन दे रिटायर। अभी मैं काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग, मैं अपना कुछ अमाउंट एनपीएस में डाल रही हूँ, आई एम सेविंग माई मनी ड्यूरिंग माई वर्किंग ईयर्स सो दैट आई कैन रिसीव अ पेंशन व्हेन आई रिटायर। और ये एनपीएस स्कीम है, इसी के चलते उन्होंने एक न्यू एडिशन किया है एनपीएस वात्सल्य का। अब इसमें क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं वो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोले अपने बच्चों के लिए, अभी वो एडल्ट नहीं हुए हैं, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट करें। यू पुट योर मनी इन टू द अकाउंट रेगुलरली, इट विल हेल्प यू बिल्ड अप योर सेविंग्स। सो जो पैसा ऑब्वियसली इट विल ग्रो ओवर द टाइम, कि बच्चा 18 साल का हो गया है, सो द मनी दैट इज सेव्ड इन दिस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट इट विल बी मूव टू योर रेगुलर एनपीएस अकाउंट। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट विल हेल्प यू कंटिन्यू विद योर सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट ऑल्सो, लेकिन एक कन्वर्जन ऑप्शन भी है अगर आप चाहें। वंस द चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट, एनपीएस वात्सल्य अकाउंट कैन बी चेंज इन टू एनी डिफरेंट सेविंग्स प्लान दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनपीएस, सो देर इज अ कन्वर्जन ऑप्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनपीएस? नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, ताकि आपका जो इनकम है, स्टडी इनकम आ रही है, आप उसका कुछ एक पार्ट जो है, कुछ भी जो आप सेविंग्स करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, वेदर अ रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और OCI, दे कैन ओपन अ एनपीएस अकाउंट। तो स्कीम क्या कर रही है, स्कीम इज हेल्पिंग यू इन योर रिटायरमेंट। स्कीम हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू एक्यूमुलेट अ रिटायरमेंट कॉर्पस, अपना रेगुलरली कॉन्ट्रीब्यूट करते रहो दैट यू हैव डन थ्रू आउट योर करियर्स, और आफ्टर रिटायरमेंट आपको फिर उसमें से पैसा मिलता रहेगा। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगा लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, तो द मनी यू पुट इन टू द एनपीएस इट इज इन्वेस्ट, इट कैन बी फर्दर पुट इन टू द इन्वेस्टेड, इट कैन बी इन्वेस्टेड इन थिंग्स लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। So you can choose to leave the NPS, take your money before you retire if needed, वो भी कर सकते हो। You can also decide कि how you want to use your savings when you do retire, it's completely up to you. So when you open an NPS account, you will get a unique number. This unique PRAN, permanent retirement account number, जो आपके साथ रहेगा, जॉब बदल लोगे तो भी वो चलता रहेगा, you can use it anywhere. NPS is managed by regulator, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर आप एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इट विल हेल्प रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम ऑल्सो, यू कैन गेट टैक्स डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C।
एंड देर इज एन एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 अवेलेबल अंडर द सेक्शन 80 CCD क्लॉज 1B. ठीक है, तो आपको यहाँ पे CA नहीं करनी है, इतना आप जान लीजिए कि टैक्स से मतलब टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल. हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया है ऑन द वैलिडिटी ऑफ सेंटर्स डिसीजन टू ग्रांट कंडीशनल अप्रूवल फॉर द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड क्रॉप्स. कॉन्सिक्वेंटली द केस विल नाउ बी रेफर टू 3-judge बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्दर कंसिडरेशन. मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है. स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब जजेस की एक यूनानिमसली दे हैवंट एग्री ऑन अ डिसीजन. हर एक जजेस का अपना अपना व्यू है ऑन दैट पर्टिकुलर केस. द केस इज रिगार्डिंग जहां पर सेंटर ने का एक डिसीजन है, आप बेसिकली लगा लीजिए द वैलिडिटी ऑफ द सेंटर्स डिसीजन टू ग्रांट कंडीशनल अप्रूवल फॉर कि आप GM मस्टर्ड क्रॉप्स के एनवायरमेंटल रिलीज करने के लिए जो अप्रूवल उन्होंने दिया है. अब ये जो केस है ये आगे 3-judge बेंच होंगे सुप्रीम कोर्ट का, उनको रेफर किया जाएगा. पहले तो मैं जजमेंट की बात करती हूँ, फिर मैं आपसे GM क्रॉप्स सब पूरा डिटेल मिलेंगे इसको. जस्टिस नागरत्नाज व्यू पॉइंट, उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को क्रिटिसाइज किया है फॉर अप्रूविंग दिस प्रोजेक्ट विदाउट रिलाइंग ऑन इंडिजीनियस स्टडीज रिगार्डिंग द क्रॉप्स इफेक्ट इन इंडिया. कि आप एक बार मतलब पूरा आपने अच्छे से नहीं देखा कि इस क्रॉप का क्या इफेक्ट होगा ऑन इंडिया. शी नोटेड कि ये जो कमेटी है बेस्ड इट्स रिकमेंडेशन सोलली ऑन द फॉरेन रिसर्च स्टडीज. आप नहीं देख पा रहे हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट में कि इसके क्या एनवायरमेंटल रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, आपने उसको ओवरलुक किया है. लेकिन दूसरी तरफ एक और जस्टिस हैं, जस्टिस करोल व्यू पॉइंट, वो उनका अलग ऑप्शन है, ओपिनियन है. जस्टिस करोल अपहेल्ड द कमेटीज क्लियरेंस फॉर द कमर्शियल रिलीज ऑफ GM मस्टर्ड. उन्होंने कमेटी के डिसीजन को सपोर्ट किया है. तो डिफरेंट ओपिनियंस हैं बट बोथ जजेस अग्रीड ऑन सेवरल की पॉइंट्स ऑल्सो. तो यहां पर जजेस कह रहे हैं कि अभी ना देर इज अ नेसेसिटी फॉर सेंटर टू कंसिडर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल पॉलिसी. सो दे हैव डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट करो 4 महीने के अंदर अंदर. ये पॉलिसी एड्रेस करनी चाहिए रिसर्च कल्टिवेशन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ GM क्रॉप्स. और इसमें द फॉर्मुलेशन प्रोसेस के अंदर कंसल्टेशन होनी चाहिए विद द स्टेक होल्डर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स. कमेटी का क्या रोल है? कमेटी ने अभी एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ दिस ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड धारा मस्टर्ड 11 को अप्रूव किया है, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना इन द सुप्रीम कोर्ट्स डेलिबरेशन. GM मस्टर्ड क्या है? मैं GM क्रॉप्स की भी बात करूंगी, पहले हम GM मस्टर्ड की बात कर लेते हैं. ठीक है, पहले GM क्रॉप्स की बात कर लेती हूँ, फिर GM मस्टर्ड की बात कर लूंगी. पहले मैं बात करती हूँ GM क्रॉप्स की. जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्रॉप्स के अंदर कुछ मॉडिफाई किया है, कुछ चेंज किया है. किसमें किया है और कैसे किया है? जेनेटिकली थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्टरेशन करी है. और यू हैव ऑल्टर्ड, आप होते हैं ना जीन्स में ऑल्टरेशन करना, तो यू हैव ऑल्टर्ड और यू हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू जीन्स. कहां से लेकर आए? फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, मुझे ये करेक्टरिस्टिक चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए. आपका मकसद क्या है? यील्ड को एनहेंस करना. कि अगर फलाने पेस्ट मतलब एक्स क्रॉप पे ये पेस्ट अटैक करता है बार बार, तो दैट क्रॉप बिकम्स रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीजेस. आप एक न्यू जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो टॉलरेंट हो टू द हर्बिसाइड, ड्रॉट, न्यूट्रिशनल कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा. ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अभी जो सेइंग है. इंडिया के अंदर अभी सिर्फ BT कॉटन है दैट इज अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूजेस. लेकिन अभी कमेटी ने रिसेंटली रिकमेंड किया है कि GM मस्टर्ड को कमर्शियलाइजेशन के लिए रिकमेंड किया उन्होंने. ठीक है, तो यहां पर ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के हमेशा एक डिबेट रही है. कुछ कहते हैं एडवांटेजेस हैं, कुछ कहते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं. देखो, GM क्रॉप से क्रॉप प्रोटेक्शन हो जाएगी, वायरस रेसिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, आपकी क्रॉप यील्ड और होगी, क्रॉप यील्ड होगी,
क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है उसकी शेल्फ लाइफ लॉन्ग होगी, फूड सिक्योरिटी में आपको मदद मिलेगी। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है, तो विद दिस इंक्रीज ग्रोथ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन फूड सिक्योरिटी नीड्स भी बढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भैया हेल्थ रिस्क को कौन देखेगा? इट कैन इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ इंक्लूडिंग एलर्जेंस, इट कैन ट्रांसफर द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट मार्कर्स ऑल्सो। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं, राइट, इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, राइट। बाकी वो बोल रहे हैं कि डज नॉट रिजल्ट इन हाई यील्ड्स एज प्रोमिस्ड, मतलब बेसिकली दे आर गिविंग रेफरेंस टू रेफरेंस ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। और यहाँ पर कुछ एथिकल कंसर्न्स भी जुड़े हैं, यू आर वॉयलेटिंग द नेचुरल ऑर्गेनिजम्स इंट्रिंसिक वैल्यूज बाय मिक्सिंग अमंग द स्पीशीज, देर आर ऑब्जेक्शन ऑफ कंज्यूमिंग लाइक एनिमल जीन्स इन द प्लांट्स। सो एक ये डिबेट है रहती है। जीएम मस्टर्ड जो है, इट इज डेवलप्ड इन इंडिया, दिस हाइब्रिड रिजल्ट, ये जो जीएम धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, सो दिस हाइब्रिड रिजल्ट फ्रॉम क्रॉस ब्रीडिंग द इंडियन मस्टर्ड वेराइटी वरुण एंड द ईस्टर्न यूरोपियन वेराइटी अर्ली हीरा टू। इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन में दो फॉरेन जीन्स हैं, एक बारनसी और एक बर्स्तर, जो कि आपने एक सॉइल बैक्टीरियम से डिराइव करे हैं और उसको यहां पर डाला है, और इसको अप्रूवल मिल गया है। हर्बिसाइड टॉलरेंट है, इट विल एड इन वीड कंट्रोल, क्रॉप यील्ड बढ़ाएगा। ठीक है, मैं आपको ना लास्ट में जाते जाते ये बता जाती हूं कि मस्टर्ड रोल, मस्टर्ड का क्या रोल है इन दी ऑयल प्रोडक्शन, एक तो ये। दूसरी बात, जीएम मस्टर्ड के क्या कंसर्न्स हैं। एक तो बायोडाइवर्सिटी कंसर्न है, वी आर ऑल्टरिंग द फ्लावर प्लांट्स, पोलन प्रोडक्शन, यू कैन, यू आर डिस्टरप्टिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। हेल्थ रिस्क जोड़ा है, इट कैन बी थ्रेट टू लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी, राइट, अननोन हेल्थ इंप्लीकेशन हो सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशन जुड़ गए, तो ये सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है। ओवरऑल मस्टर्ड का जो रोल है, मैं 2021-22 की बात करूं, तो इंडिया प्रोड्यूस 116.5 लाख टन ऑफ एडिबल ऑयल्स, बट इम्पोर्ट कितना किया, 141.93 लाख टन्स। तो एक प्रोडक्शन गैप है, और ये बोल रहे हैं कि जो प्रोजेक्टेड डिमांड है दैट इज ऑफ 34 मिलियन टन्स बाय 2025-2026, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल। सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज गिवन इट्स फाइनल अप्रूवल फॉर अ चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। तो जू अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर का, कहां पर, गुजरात के बनी ग्रासलैंड्स के अंदर। बनी ग्रासलैंड्स जो है वो कहां सिटुएटेड है, कहां सिटुएटेड है, चलिए पढ़ते हैं। सदर्न एज ऑफ रन ऑफ कच्छ इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये ड्राई ग्रासलैंड एरिया है, क्वाइट यूनिक, स्पेशल, इंपॉर्टेंट। दिस एरिया वॉज शेप्ड बाय एन अर्थक्वेक 1819 के अंदर। ओवर मैनी ईयर्स इंडस नदी से सेडिमेंट्स, राइट, फ्रॉम द इंडस रिवर एंड द अदर वॉटरवेज दे बिल्ड अप द लैंड, सो दिस लैंडफॉर्म वॉज क्रिएटेड। यहां पर आपको लो ग्रोइंग प्लांट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होंगे, सॉल्ट टॉलरेंट्स होंगे, लो ग्रोइंग होंगे। एंड यहां आपको मोस्टली जो ट्रीज देखने को मिलेंगे दे आर लाइक इन्वेजिव ये प्रोसोफिस जिली फ्लोरा, जो यूपीएससी ने पूछा भी था क्या ये एक इन्वेजिव प्लांट है या नहीं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स, ब्लैकबर्ग, वाइल्ड बोर, गोल्डन जैकल। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है बनी ग्रासलैंड्स को एज वन ऑफ द
लास्ट प्लेसेस इन इंडिया वेयर चीताज यूज टू लीव, तो एक पोटेंशियल साइट है फॉर ब्रिंगिंग चीताज बैक टू इंडिया. 1955 में ये ग्रासलैंड्स को डेजिग्नेट किया गया एज रिजर्व फॉरेस्ट, एंड बाय 2019 एनजीटी ने ऑर्डर दिया कि जो बाउंड्रीज है ऑफ दीज ग्रासलैंड दे बी क्लियरली मार्क्ड एंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए ताकि आप इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके. इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ चीजें क्लियर हो गई हो. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. विल मीट यू इन अदर सेशन विद अदर आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर. गुड लक. गुड विशेस. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.